बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम चेहरा और बीएसपी के नंबर दो की हैसियत पर रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का हाथ पकड़ लिया है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी में हुई इस ज्वाइनिंग के दौरान नसीमुद्दीन अपने कई समर्थकों को भी साथ लेकर आए। कभी मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। लगभग 48 पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एमएलसी कांग्रेस पार्टी में उनके साथ आज शामिल हुए। इससे पहले दिसंबर में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो औपचारिकताएँ पूरी करनी थी उनको पूरा कर लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच में दो बड़े सवाल उठते हैं, क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बीएसपी के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की या नेताओं की आज ज्वाइनिंग पर एक देश में जो 2019 में महागठबंधन की बात हो रही है उससे मायावती की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जितने आज नेता बीएसपी के पूर्व नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में उनमें ज़्यादातर संख्या मुस्लिम नेताओं की है, तो एक बार फिर बीजेपी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि कांग्रेस सिर्फ 20% आबादी की राजनीति कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी बाकी जो पार्टीज़ हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं से भी बातचीत कर रही है और शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं उनको लेकर भी कैस लगाए जा रहे हैं, और गुलाम नबी आज़ाद जो कि यूपी के प्रभारी हैं उनकी शिवपाल यादव से भी बातचीत चल रही है। लेकिन शिवपाल यादव बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, इसी शर्त पर वो आ सकते हैं। शिवपाल यादव की राह में एक रोड़ा और है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दोस्ती है वो भी एक बड़ा फैक्टर इसको लेके माना जा रहा है, इसीलिए शिवपाल यादव की मुलाकात अभी तक राहुल गांधी से नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो कार्डर बेस नेताओं को ढूंढ रही है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ में हैं, बीएसपी में है, सपा में है या बीजेपी में है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो भी बड़ा नेता इस वक्त चुनाव से पहले जिसको तोड़ के लाया जा सके उसको लाने में कोई हर्ज नहीं है। तिलेश आदेश रावल, को न्यूज़।